विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रियसिस ने सोमवार को भारत में कोविड-19 के मामलों और मौतों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग लहर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संगठन संकट को दूर करने में मदद कर रहा है। टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रियसिस ने संवाददाताओं से कहा कि भारत में स्थिति हृदय विदारक है। उनकी टिप्पणी भारत में भयावह कोरोना वायरस लहर को लेकर आई है, जब देश के अस्पताल और शमशान घाट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में संक्रमण में वृद्धि से मरीजों के परिवारों को ऑक्सीजन की आपूर्ति और अस्पतालों में बिस्तर के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाते देखा जा रहा है। राजधानी नई दिल्ली एक सप्ताह के लॉकडाउन का विस्तार करने के लिए मजबूर हुई है। टेड्रोस ने कहा है कि WHO वो सब कुछ कर रहा है जो हम कर सकते हैं, महत्वपूर्ण उपकरण और आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी अन्य चीजों में हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, प्री फैब्रिकेटेड मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल और प्रयोगशाला की आपूर्ति कर रही है। WHO ने यह भी कहा कि इसने पोलियो और TB सहित विभिन्न कार्यक्रमों के 2600 से अधिक विशेषज्ञों को भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करने के लिए और महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए भेजा है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।